बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। इस बीच तमाम बड़े दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में यूं तो कई नेता हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच है। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। वहीं आज कुछ हाई प्रोफाइल सीटों पर भी चुनाव होना है। इन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों से लेकर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का फैसला होना है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में। वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तेजस्वी को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है, जिसकी वजह से इस सीट पर पूरे देश की नजर है। बीजेपी ने उनके सामने सतीश कुमार को उतारा है। सतीश 2010 के चुनाव में पूर्व सीएम राबड़ी देवी को हरा चुके हैं। वहीं एलजेपी की ओर से मैदान में उतारे गए राकेश रोशन ने यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। हालांकि 1995 से यह इलाका आरजेडी का मजबूत गढ़ माना जाता है और लालू यादव यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। समस्तीपुर जिले की हसनपुर विधानसभा सीट से पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव मैदान में हैं। 2015 में उन्होंने महुआ से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल दी है। तेज प्रताप के सामने जेडीयू के वर्तमान विधायक राजकुमार राय चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यादव बाहुल्य इस सीट पर कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। यहां से अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से 3 बार के विधायक नितिन नवीन के अलावा प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष और सीएम उम्मीदवार पुष्पम प्रिया भी चुनौती पेश कर रही हैं। पुष्पम प्रिया के चुनाव लड़ने के चलते यह सीट सुर्खियों में है। सारण जिले की परसा विधानसभा सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। जेडीयू के टिकट पर यहां से पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के बेटे और लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय मैदान में उतरे हैं। चंद्रिका राय के लिए उनकी बेटी ऐश्वर्या राय ने भी वोट मांगने का काम किया है, लेकिन देखना है कि वो अपने पिता को जिता पाती हैं कि नहीं। राजधानी पटना की सबसे वीआईपी विधानसभा सीट पटना साहिब से बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नंद किशोर यादव चुनावी मैदान में हैं। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के टिकट पर प्रवीण सिंह उन्हें टक्कर दे रहे हैं। नंद किशोर यादव यहां से 6 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2015 के चुनाव में उन्हें यहां से जीतने में पसीने छूट गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की सदर सीट से बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस बार वो यहां से त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं। उनके खिलाफ महागठबंधन से कांग्रेस की टिकट पर गुंजन पटेल हैं। जेडीयू प्रत्याशी श्रवण कुमार इस सीट से लगातार 6 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके सामने कड़ी चुनौती मिलने वाली है। सारण जिले की हथुआ विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू नेता और विधान सरकार में समाज कल्याण मंत्री राम सेवक सिंह मैदान में हैं। उनके सामने एलजेपी ने राम दर्शन प्रसाद उर्फ मुन्ना किन्नर को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया।